हेलो गाइज, वेलकम टू संजू एडिटिंग एंड इट्स प्रियांशु। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग फोटोग्राफी लेकर आया हूँ जो हम लोगों ने जंगल में जाकर शूट किया है। और इन सारे फोटो को मैंने सिनेमैटिक रूप से लाने का कोशिश किया, सिनेमैटिक तरीके से उन्हें एडिट करने का कोशिश किया है। सो आप लोग देखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और गाइज, वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन हुआ, तो उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप लोग प्रेस करते हो तो हमारे हर लेटेस्ट वीडियो को आप लोग सबसे पहले ही देख सकोगे। सो गाइज, और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो कुछ है कि हम लोग का जो सेकेंड चैनल था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संजू भाई का एक और सेकेंड चैनल था जिसका नाम था SS पिक्चर्स, तो उस चैनल पर भी आप लोग जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा उसमें भी वीडियोज़ ऑलरेडी डाला हुआ है, सारे उसमें बहुत सारे फोटो एडिटिंग डाले हुए हैं, तो आप लोग जाइए वहाँ से ट्यूटोरियल लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर डाला हुआ है। मैं भी हम लोग आगे जाके उसमें भी काम करना शुरू करेंगे, उसमें ऑलरेडी हमारे एक दादा काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनके भी काम को देखिए कैसा लगता है, और उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ज़रूर से ज़रूर। तो गाइस, चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। सो गाइज, हमारे फर्स्ट फोटोग्राफी में मॉडल का इस तरह का पोज होगा जैसे कि वो ठंडे के टाइम में आग ताप रहा हो, तो वह उसी तरह से पोज देगा। तो चलिए हम लोग इसी पोज में एक फ़ोटो को अच्छी तरह से क्लिक कर लेते हैं। हम लोग का फोटो या ड्रॉ फोटो आता है, देन हम लोग एक और फोटो को क्लिक करेंगे जिसमें कि मॉडल ठीक उसी पोज के अपोजिट साइड में जाकर बैठेगा, कपड़े को चेंज करके बैठेगा। और आप लोग को इस फोटो को क्लिक करते वक्त बस इतना याद रखना होगा कि आप लोग का कोई भी कैमरा हो, फ़ोन का कैमरा हो या DSLR का कैमरा हो, वो हिले ना, ताकि फ्रेम आपका स्टिल आए। आप लोग इसके लिए ट्राइपॉड का भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका फ्रेम स्टिल रहे। तो उसी तरह से ऑपोजिट साइड में जाकर सेम वही पोज देगा मॉडल जिससे कि वो आग ताप रहा हो। तो चलिए हम लोग इस पोज को भी एक बार अच्छे तरह से क्लिक कर लेते हैं। आप लोग रैंडमली क्लिक कीजिए, देन हम लोग का फोटो इस तरह से आता है, रॉ फोटो। अब हम लोगों ने जब इस फोटो को लाइट रूम और स्नैपसीड से एडिट किया तो भाई बहुत ही ऑसम और क्रिएटिव तरीके से ये फोटो इस तरह से एडिट हुआ। आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से यह फोटो को हम लोगों ने एडिट किया है। सो गाइज, आप लोगों को इस फोटो का पूरा ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ जाऊंगा। बढ़ते नेक्स्ट फोटोग्राफी में, इस फोटोग्राफी में मॉडल कुछ इस तरह से पोज दे रहा होगा जैसे कि वो जंगल में स्टोर के लिए आया हो और किसी भी रैंडम चीज़ का वो फोटो क्लिक कर रहा हो। हम लोग उसी पोज में फ़ोन से ही फोटो को क्लिक करेंगे वाइड एंगल में, और नीचे से फोटो को हम लोग अच्छे तरह से क्लिक करेंगे, तो मॉडल उसी तरह से पोज दे रहा होगा और हम लोग उसे कर लेते हैं क्लिक। देन हम लोग का रॉ फोटो ही इतना बढ़िया आ रहा था कि हम लोग सोचे थे कि इसे एडिट नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें एडिटिंग किया है लाइट रूम से, जो काफ़ी औसम लग रहा था, जो कुछ इस तरह से लग रहा था। आप लोग देख ही सकते हो ये भी कितना औसम लग रहा है। सो हम लोगों ने इसे रखा। सो गाइज, हम लोग इस फोटो को बिल्कुल नहीं रखने वाले थे, इस फोटो की जगह पर हम लोग इसे रखते, बट हम लोगों ने इसके जगह पर इस फोटो को स्वैप कर दिया। सो हम लोग को इसका एडिटिंग इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम लोगों को ये करना पड़ा। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एडिटिंग प्रोसेस। तो इसके एडिटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस फोटो को लाइट रूम में ले लेते हैं, और चलिए चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में जाने के बाद हम लोग गाइज, सबसे पहले हम लोग लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद हम लोग हाइलाइट्स को कम करेंगे, थोड़ा हाइलाइट्स कम, देन शेडो को हल्का बढ़ा देंगे, वाइट्स को भी थोड़ा बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ब्लैक्स को थोड़ा कम करेंगे -34 की तरफ, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई, और वाइब्रेंस थोड़ा सा हाई, और सेचुरेशन कुछ नहीं। चलिए अब येलो में हम लोग क्या करेंगे, येलो का सेचुरेशन कम करेंगे, ग्रीन का ह्यू कम करेंगे, और फिर सेचुरेशन हल्का सा कम करेंगे ग्रीन का, देन ब्लू का सेचुरेशन ह्यू कम करेंगे,
कम, सैचुरेशन पूरा तरह से कम, पर्पल का ह्यू कम, देन सैचुरेशन थोड़ा हाई, सैचुरेशन थोड़ा सा हाई, देन पिंक का ह्यू पूरा कम, सैचुरेशन पूरा तरह से कम, डीप पिंक का भी वही करेंगे, ह्यू कम, सैचुरेशन पूरा कम। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स में करते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर लाएंगे, हल्का सा क्लैरिटी लाएंगे और डीहेज थोड़ा सा कम रहेगा, विग्नेट पूरा कम करेंगे, पूरा पूरी तरह से विग्नेट को कम में रखेंगे, देन हल्का सा मिड पॉइंट बढ़ा देंगे, हल्का सा मिड पॉइंट नहीं घटा देंगे, तो थोड़ा सा घटाने पर अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा मिड पॉइंट घटाएंगे और वाइब्रेंस को ज़्यादा वाइब्रेंस लग रहा था, काला काला लग रहा था ज़्यादा, तो उसे भी थोड़ा एडजस्ट करके अच्छा कर लेंगे, ठीक से कर लेंगे। देन हम लोग फिदर को हाई में रखेंगे, विग्नेट को थोड़ा सा और कम करेंगे, देन फिर ये हम लोग का लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। थोड़ा हाईलाइट, थोड़ा सा राउंडनेस और बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट्स को पूरा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट्स पूरा अप रहेगा 100, देन ग्रीन हल्का सा थोड़ा बड़ा रहेगा, राउंडनेस पूरा, बाकी का जो राउंडनेस है, रफनेस है, थोड़ा 89 रखेंगे रफनेस और फोटो को कर लेंगे सेव। फोटो को सेव करने के बाद हम लोग इसे ले जाएंगे स्नैपसीड में, ओके। अब स्नैपसीड में क्या करेंगे कि जो फेस का जो कलर है, फेस पे थोड़ा ब्राइटनेस नहीं है, तो उस ब्राइटनेस को हल्का सा हम लोग हाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्नैपसीड में लेकर जाते हैं। ये फ़ोटो को हम लोग ले आए स्नैपसीड में। अब स्नैपसीड में हम लोग ब्रश का यूज़ करके जो स्किनी जगह है उन जगहों का एक्सपोज़र थोड़ा सा हाई कर देंगे, 0.3, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काला है वहाँ पे 0.7 से थोड़ा हाई करेंगे, ओके। तो जितना भी स्किनी जगह है उन जगहों का एक्सपोज़र थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करके हाई कर लेते हैं, देन ये हाई कर ले रहे हैं हम लोग। अब ये बढ़ा लेने के बाद फोटो बहुत ज़्यादा ही बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो गाइज, हमारा फाइनल फोटो एडिटिंग ऐसा लग रहा था। तो इसी तरह के और भी अमेजिंग और ऑसम फोटो एडिटिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।